Hi dear children, I hope you are doing well. I am Vandana and we are learning English reader of class 1. And this is by Brain Root series. And do you know what is the name of your book? It is Literary Journeys. Today we are going to start with chapter number 2 of your book. And the name is Trees. Our friends. Trees कौन है? हमारे friends हैं. So let's start the chapter. Let's start with the warming up. So trees are the source of oxygen. Tree हमें क्या देते हैं? Oxygen देते हैं. सांस में हम क्या लेते हैं? Oxygen ही तो लेते हैं. So trees हमें oxygen देते हैं. They control atmospheric pressure. जो atmosphere का जो pressure है ना, उसे control भी करते हैं. Trees are our best friends. और ये हमारे best friends भी हैं. It is our duty to take care of our best friend. ये हमारी duty है कि हम अपने best friend का ध्यान रखें. For our own survival and survival of birds, insect and other creatures. क्यों ध्यान रखना अपने best friend का? क्योंकि ये हमारा best friend तो है, इसके साथ साथ ये जो है birds का भी best friend है, insects का भी best friend है और दूसरे चीज़ों का भी best friend है. तो हमें trees का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर trees रहेंगे तो ही हम जिंदा रहेंगे, birds जिंदा रहेंगे, insects जिंदा रहेंगे और दूसरे creatures जिंदा रहेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. वंस देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज. एक बार की बात है कि एक गांव में एक फार्मर रहता था. ही हैड अ बिग गार्डन. उसका बहुत बड़ा गार्डन था. देयर वाज अ ह्यूज ओल्ड मैंगो ट्री इन द गार्डन. और उसके उस गार्डन में एक बहुत बड़ा सा पुराना सा मैंगो ट्री था. It had stopped giving fruits. अब जो है वो ट्री इतना ज़्यादा पुराना हो चुका था कि अब उस पर फल लगना बंद हो गए थे. But it was home for birds, animals and insects. लेकिन भले उसने जो है फल देना बंद कर दिया था, वो घर बन चुका था बहुत सारे बर्ड्स का, एनिमल्स का और इंसेक्ट्स का. वन डे द फार्मर डिसाइडेड टू कट डाउन द ट्री. अब एक दिन फार्मर ने सोचा कि ये पेड़ तो कुछ फल वल तो देता ही नहीं है, तो चलो इसे काट देता हूं. ही थॉट दैट ही वुड यूज द वुड टू मेक फर्नीचर. उसने सोचा कि इसकी लकड़ियों को मैं यूज कर लूंगा और इसका क्या बनाऊंगा? फर्नीचर, टेबल बनाऊंगा, चेयर बनाऊंगा, बेड बनाऊंगा, तो इसको वहां यूज कर लेंगे. व्हेन ही हिट द ट्री विथ एन एक्स, जैसे ही उसने कुल्हाड़ी मारी पेड़ पे, ऑल द बर्ड्स एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स गैदर्ड अराउंड द फार्मर एंड स्टार्टेड क्राइंग. जितने भी बर्ड्स उस पेड़ पे रहते थे, जितने भी एनिमल्स रहते थे, जितने भी इंसेक्ट्स रहते थे, सब आके उस फार्मर के चारों तरफ खड़े हो गए एंड रोने लगे. प्लीज डू नॉट कट दिस ट्री, दिस इज आवर होम. प्लीज हमारे घर को मत काटो, ये हमारा क्या है? घर है. द फार्मर डिड नॉट लिसन टू देम. फार्मर ने उनकी बात नहीं मानी एंड कंटिन्यूड टू हिट द ट्री विथ हिज एक्स. और वो लगातार कुल्हाड़ी से उस पेड़ को काटे जा रहा था. द बर्ड सेड, वी विल सिंग फॉर यू व्हेन यू आर वर्किंग इन द हॉट सन. बर्ड ने कहा कि जब तुम्हें गर्मी लगेगी, धूप लगेगी, तो इतनी गर्मी में जब तुम काम कर रहे होगे, तो हम तुम्हारे लिए गाना गाएंगे. यू विल फील हैप्पी एंड वोंट फील टायर्ड. तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें थकान नहीं लगेगी. बट द फार्मर डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू देम. लेकिन फार्मर ने उनकी बात नहीं सुनी. सडनली ही सॉ समथिंग शाइनिंग इन द होल ऑफ द ट्री. अब उसे जो अचानक से उस पेड़ के
नीचे एक होल था, उसमें कुछ चमकता हुआ दिखा. शाइनिंग मीन्स चमकता हुआ. ही वेंट अ लिटिल क्लोजर एंड फाउंड दैट इट वॉज अ बी हाइव. उसने क्या देखा कि वहां पे एक मधुमक्खियों का छत्ता था. फुल ऑफ हनी, हनी उसमें भरा हुआ था. ही डिप्ड हिज फिंगर एंड पुट इट इन इट्स हिज माउथ. उसने क्या किया, उस छत्ते में उंगली डाली और उसे खा के देखा. ही स्माइल्ड एंड सेड दिस टेस्ट्स गुड, ये तो बहुत अच्छा टेस्ट है इसका. सो द फार्मर फाइनली रियलाइज दैट द ट्री वॉज नॉट दैट यूजलेस. अब फार्मर ने कहा अच्छा चलो, अगर मधुमक्खी ने यहाँ छत्ता बनाया है, मुझे हनी तो मिलेगा, तो इतना भी बुरा नहीं है ये पेड़. इट वॉज होम टू द बीज विच मेड सच स्वीट हनी. ये तो घर है उन बीज का जो इतना टेस्टी टेस्टी हनी बनाती हैं. ही थ्रू अवे द एग्स एंड सेड आई विल नेवर कट दिस ट्री. उसने अपनी कुल्हाड़ी को फेंका और बोला मैं इस पेड़ को कभी नहीं काटूंगा. द बर्ड्स एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स वर वेरी हैप्पी. जो बर्ड्स थे, एनिमल्स थे और इंसेक्ट्स थे, वो सब बहुत खुश हो गए. एंड दे लिव्ड हैप्पीली इन द ओल्ड मैंगो ट्री. और सब उस पुराने से मैंगो ट्री पे बहुत ही खुशी खुशी रहने लग गए. नाउ चिल्ड्रन लेट्स मूव ऑन टू ग्लॉसरी. ह्यूज मीन्स वेरी बिग, बहुत बड़ा. इंसेक्ट स्मॉल एनिमल्स लाइक एंट, चींटियों जैसे छोटे छोटे एनिमल्स को हम इंसेक्ट बोलते हैं. डिसाइड टू थिंक टू डू, किसी चीज को करने का सोच लेना. लिसन मीन्स हियर, सुनना. बीहाइव हाउस ऑफ बीज, बीज का घर. गैदर्ड मीन्स कलेक्टेड, इकट्ठा करना. Now let's move on to exercise section, comprehension. A exercise is multiple choice questions. So children, here the first question is, a dash lived in a village. कौन रहता था एक विलेज में, farmer, teacher, singer या फिर carpenter? So yes, the correct answer is farmer. There was a huge old dash tree in the garden. बड़ा सा पुराना सा कौन सा ट्री था गार्डन में, एप्पल, मैंगो, नीम और बनाना. सो इट वॉज मैंगो ट्री. द ट्री वॉज होम फॉर बर्ड्स एनिमल्स एंड, ये जो ट्री था ये किसका किसका घर था, बर्ड्स का, एनिमल्स का, और क्या यहाँ बैट्स रहते थे, चिल्ड्रन रहते थे, इंसेक्ट्स रहते थे या फिर मंकी रहते थे. सो द करेक्ट आंसर इज इंसेक्ट्स. यहाँ पे बर्ड्स, एनिमल्स और इंसेक्ट्स रहते थे. Next, fourth question, he wanted to use the wood to make. वो जो farmer था उस wood से क्या बनाना चाहता था, furniture, ship, house या फिर bullock cart. तो वो उसे furniture बनाना चाहता था. The birds will sing for him when he will be working in the, जब वो काम कर रहा होगा तो birds sing करेंगी. कहाँ काम कर रहा होगा, hot sun में. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks using help box. The farmer had a dash garden. Kaisa garden tha? Big garden. So let's write here, big. The dash was the home of many birds, animals and insects. So the tree was home of many birds, animals and insects. He hit the tree with a, उसने पेड़ पे किस चीज से मारा, so it was an axe. Now the fourth one is, dash tastes good to the farmer. Farmer को किसका टेस्ट अच्छा लगा, हनी का. So here we will write H capital, honey. So this was your fill up children. Now let's move on to true false. This is the C exercise of your book. Here we have to write true or false for the following sentences. The farmer lived in a town. Farmer kya town mein rehta tha? Yes or no? So do it yourself. He hit the tree with a hammer. Usne hammer se mara tree ko? No, this is false. Usne axe se mara tha. Honey tastes sweet. Honey ka jo taste hai wo meetha hota hai. Yes, true. Sahi bola isne to. And the fourth one is,
There was a huge orange tree in his garden. एक orange tree था क्या farmer के garden में? No, it was a mango tree. So this is false. This first one is your homework, children. You have to do it yourself. So children, with this we have completed the chapter. I hope it's clear to you. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned, keep smiling, and thanks for watching.